टाइप्स ऑफ जावा एक्सेप्शन, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, चेक्ड एंड अनचेक्ड. हियर एन एरर इज कंसिडर्ड एज द अनचेक्ड एक्सेप्शन. अकॉर्डिंग टू ओरेकल देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन. ठीक है, जनरली जो एक्सेप्शन होते हैं वो दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड. ठीक है, लेकिन ओरेकल ने इंट्रोड्यूस किया था कि वो तीन टाइप के एरर्स होते हैं. ठीक है, मतलब थ्री टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है चेक्ड एक्सेप्शन, सेकंड है अनचेक्ड एक्सेप्शन, थर्ड है एरर. ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं और क्या चीज होते हैं. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आते हैं हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन में. द क्लासेस विच डायरेक्टली इनहेरिट थ्रोएबल क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर आर नोन एज चेक्ड एक्सेप्शन. ठीक है, लाइक आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन एक्सेट्रा. ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम. ठीक है, देखो चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, जनरली जो एक थ्रोएबल क्लास है, जो सबका एक पेरेंट क्लास है, जितने भी एक्सेप्शन है सबका एक पेरेंट क्लास है, डायरेक्टली उसको इनहेरिट करता है. और उसको जब इनहेरिट करेगा तो उसके पास एक्सेप्शन और एरर दोनों क्लासेस अवेलेबल होंगी, और एक्सेप्शन के अंदर जितनी सब क्लासेस अवेलेबल होंगी सारे को एक्सेस कर सकता है, एरर्स के अंदर भी जितने सारे क्लासेस अवेलेबल है सब के सब को एक्सेस कर सकता है. ठीक है, तो जनरली जो यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन होता है वो कंपाइल टाइम पे चेक किया जाता है. कहाँ पे चेक किया जाता है, कंपाइल टाइम पे चेक किया जाता है. ठीक है, उसको हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं. मीन्स कंपाइल टाइम पे ही हम लोग को पता चल जाता है कि क्या एरर आने वाले हैं रन टाइम पे, उसको हम लोग वहीं पे हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन. सेकंड आता है अनचेक्ड एक्सेप्शन. ठीक है, अब यहाँ पे देखो द क्लासेस विच इनहेरिट रन टाइम एक्सेप्शन आर नोन एज अनचेक्ड एक्सेप्शन. एग्जाम्पल अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन एक्सेट्रा. ठीक है, अनचेक्ड एक्सेप्शंस आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम बट दे आर चेक्ड एट रन टाइम. ठीक है, अब अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, जो डायरेक्टली इनहेरिट करता है रन टाइम एक्सेप्शन को, मीन्स जो एक्सेप्शन क्लास है उसको इनहेरिट करेगा. ठीक है, तो जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है वो कंपाइल टाइम पे कभी भी चेक नहीं किया जाता है, वो डायरेक्टली चेक कहाँ पे किया जाता है, रन टाइम पे. ठीक है, डायरेक्टली कहाँ चेक होगा, रन टाइम पे चेक होगा. ठीक है, अब यहाँ पे जो चेक्ड बोल रहे हैं हम लोग वो क्या चीज है, चेक्ड मीन्स जब हम लोग उसको कंपाइल करेंगे. ठीक है, हमारे कोई भी प्रोग्राम बनाने के दो प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो कंपाइल करते हैं, देन उसके बाद रन होता है. ठीक है, जब हम लोग कंपाइल करेंगे तो उस केस पे जो भी सिंटैक्स एरर्स वगैरह होंगे, ठीक है, या फिर हम लोग उसमें लॉजिकल एरर नहीं देखेंगे, जो चेक्ड एक्सेप्शन होता है इसमें लॉजिकल एरर हम लोग नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स एरर देखेंगे. ठीक है, कोई स्ट्रक्चरल एरर तो नहीं है. ठीक है, वो सारी चीज़ें चेक होती है. ठीक है, लेकिन अनचेक्ड में क्या होगा, अनचेक्ड में वो कंपाइल टाइम पे तो सारी चीज़ें चेक हो गई. ठीक है, लेकिन लॉजिकल एरर जो होते हैं, ठीक है, मींस जो भी हम लोग ने उस प्रोग्राम में बिजनेस लॉजिक लगाया है, जो कोडिंग्स होती हैं, ठीक है, उसमें वो वर्किंग क्या है उसका, वो सारी चीज़ें चेक नहीं होती. वो चेक कब होगी, जब उस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तब. ठीक है, तो जो लॉजिकल एरर्स होते हैं उसी को यहाँ पे अनचेक्ड एक्सेप्शन बोला जाता है, जो कि रन टाइम पे हम लोग को पता चलता है, जब हम लोग प्रोग्राम चलाते रहते हैं रन होते रहता है, उस केस में हम लोग को पता चलता है कि लॉजिकल एरर है और फिर हम लोग को उसको हैंडल करना है. ठीक है, तो मेन डिफरेंस यही होता है चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन में. अब थर्ड जो ओरेकल ने बताया एरर, ठीक है, एरर इज इररिकवरेबल. ठीक है, मतलब एरर को हम लोग रिकवर नहीं कर सकते. ठीक है, जो हमने इस डायग्राम में देखा ये इस एरर की बात कर रहे हैं, जो हमारा सिस्टम एरर है, स्टैक ओवरफ्लो एरर, वर्चुअल मशीन एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर. ठीक है,
तो ये सारे एरर्स जो है वो उसको भी एक प्रकार का एक्सेप्शन मान के चलते हैं, ठीक है, कि अगर मान के चलो कि हमारा सिस्टम रन हो रहा है, मीन्स हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है, ठीक है, रन करने के बाद अगर उस पर कोई सिस्टम से रिलेटेड एरर आता है, मीन्स मान के चलो कि मेमोरी फुल हो गया, ठीक है, या फिर JVM जो है वायरस के कारण हो सकता है करप्ट हो जाए, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर जो भी हमारे सिस्टम मशीन से रिलेटेड, ठीक है, उसको यहाँ पे एरर में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली बेसिकली दो टाइप के ही एक्सेप्शन होते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। अगर दो लिख रहे हो तो भी अच्छा है, ठीक है, थर्ड अगर लिख दो तो भी अच्छा है, ठीक है। फर्स्ट कीवर्ड है हमारा ट्राई। द ट्राई कीवर्ड इज यूज टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक वेयर वी शुड प्लेस एक्सेप्शन कोड। द ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय ईदर कैच और फाइनली। इट मीन्स वी कांट यूज ट्राई ब्लॉक अलोन, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राई क्या होता है, एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम लोग वो कोड को रखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे मान के चलो कोई भी 4 लाइन के कोड हम लोग लिख लिए और हम लोग उसमें रन कर दिए, कंपाइल करके हम लोग रन कर दिए, कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं था तो रन हो जाएगा, ठीक है। जब वो रन हो रहा है उस समय रन टाइम पे कुछ एरर आता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, उस 4 लाइन के कोड में कोई एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज आएगा, ठीक है, तो यूजर वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। अब सेम कोड को हम लोग क्या करेंगे, ट्राई के अंदर डाल देंगे, मीन्स हम लोग इस कोड को ट्राई कर रहे हैं, अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो वो ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, फेंकेगा, ठीक है। अभी सिंटेक्स जब हम लोग उसका देखेंगे तो समझ में आएगा। तो हम लोग इस ट्राई ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, जिस भी कोड में हम लोग को एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन मीन्स रन टाइम एरर्स, ठीक है, रन टाइम एरर्स आने के चांसेस होंगे, उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब सेकंड है यहाँ पे कैच, ठीक है। द कैच ब्लॉक इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन, इट मस्ट बी प्रिसीडेड बाय ट्राई ब्लॉक, विच मीन्स वी कांट यूज कैच ब्लॉक अलोन, इट कैन बी फॉलोड बाय फाइनली ब्लॉक लेटर, ठीक है। अब देखो जो भी कोड हम लोग इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने लिखा, ठीक है, ये कुछ ना कुछ एक्सेप्शन अगर थ्रो करता है, थ्रो करता है मीन्स कोई वो एक्सेप्शन अगर आएगा तो वहां से एक सिस्टम के थ्रू उस एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, थ्रो करना मतलब फेंकेगा वो, ठीक है। अब वो एक्सेप्शन को कैच कौन करेगा, ये कैच ब्लॉक, लाइक जस्ट लाइक हम लोग कोई बॉल फेंकते हैं, ठीक है, तो मान के चलो ट्राई एक पर्सन है, ठीक है, उसने एक बॉल फेंका, ठीक है, मीन्स वो बॉल का नाम मान के चलो एक्सेप्शन है, ठीक है, उसने एक एक्सेप्शन नाम का बॉल फेंका, ठीक है, वो एक्सेप्शन कहीं तो कैच करेगा, ठीक है, तो सेकंड पर्सन है हमारे पास कैच, ठीक है, तो कैच क्या करेगा, उसको पकड़ेगा और उसको हैंडल करेगा बराबर से, ठीक है। कैच ब्लॉक के अंदर में ही हम लोग यूजर अंडरस्टैंडेबल मैसेज को प्रिंट करते हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग कुछ ज्यादा नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पे मैसेज प्रिंट करने का काम ही करते हैं जो हम लोग यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज के करते हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग यूजर के अकॉर्डिंग उसी के लैंग्वेज में हम लोग वहाँ एक मैसेज प्रिंट करने का काम करते हैं। तो कैच ब्लॉक जो है वो एक्सेप्शन को हैंडल करता है, हैंडल कैसे करेगा, यूजर अंडरस्टैंडेबल मैसेज प्रिंट कर, ठीक है। तो कैच ब्लॉक को हम लोग कभी भी अकेले नहीं लिखते हैं, इसके पहले हम लोग को ट्राई लिखना होता है, ठीक है, ट्राई ब्लॉक के बाद में ही कैच ब्लॉक लगेगा, ठीक है। हम लोग कैच और ट्राई को अकेले अकेले नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ट्राई लिखे हैं तो कैच भी लिखना पड़ेगा, अगर कैच लिखे हैं तो ट्राई लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनली, ठीक है,
द फाइनली ब्लॉक इज यूज टू एग्जीक्यूट द इम्पॉर्टेंट कोड ऑफ द प्रोग्राम. इट इज एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट. ठीक है, फाइनली एक ऐसा ब्लॉक होता है जो हमेशा एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो कैच उसको हैंडल कर लेगा, हैंडल करने के बाद फाइनली वाला जो ब्लॉक है वो रन हो जाएगा. ठीक है, अगर एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भी फाइनली रन होगा, तो भी फाइनली के अंदर जो भी कोड लिखे होंगे वो रन होंगे. मतलब इनडायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि फाइनली जो है हमेशा रन होने वाले कुछ ऐसे कोड्स होते जो हमेशा रन होंगे, हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा. ठीक है, जैसे कि मान के चलो हम लोग कोई भी डेटाबेस कनेक्शन हम लोग ओपन किए, ठीक है, ओपन हम लोग कर लिए, तो उस कोड को हम लोग कहाँ पे लिखे हैं, ट्राई के अंदर लिखे हैं. ठीक है, अगर मान के चलो कनेक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, कनेक्शन ओपन नहीं हो पाता है, कोई भी डेटाबेस से हम लोग कनेक्शन ले रहे हैं, कनेक्शन ओपन नहीं हो पा रहा है, हो सकता है हमने पासवर्ड गलत डाला हो सकता है हमने कनेक्शन स्ट्रिंग गलत डाला हो, ठीक है, तो ट्राई के अंदर क्या हुआ, जो कोड हमने डाला था वो सही नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ एरर है, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, थ्रो करने के बाद कहाँ पे आ जाएगा, कैच के पास आएगा, कैच क्या बोलेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग इज नॉट वैलिड, ठीक है, ऐसा कुछ एक मैसेज दे देगा. तो यूजर जो है समझ जाएगा कि जो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग वहां पे दिया है, फिर कनेक्शन का यूजर आईडी पासवर्ड जो भी दिया है वो गलत है. ठीक है, तो वो हैंडल हो गया, तो वो करेक्ट करके वापस से डालेगा. ठीक है, फिर से ट्राई रन होगा. ठीक है, अगर फिर से कोई एक्सेप्शन आता है तो फिर से कैच हैंडल करेगा. ठीक है, लेकिन जो फाइनली है, फाइनली एक्सेप्शन आए या ना आए, ठीक है, दोनों केस पे रन होगा, और रन होगा ही होगा, हमेशा रन होगा. ठीक है, जो हमने कनेक्शन ओपन किया था इस ट्राई ब्लॉक में, तो जनरली फाइनली में हम लोग उस कनेक्शन को क्लोज करने का काम करते हैं, क्योंकि जो भी डेटाबेस से कनेक्शन ओपन होता है उसको क्लोज करना कंपल्सरी होता है. ठीक है, जब तक उसको क्लोज नहीं करेंगे वो ओपन ही रहेगा और अगले कोड में वो काम नहीं करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे तीन मेन ब्लॉक हम लोग यूज करते हैं, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक. ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक. ठीक है, फिर फोर्थ आता है थ्रो. द थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन. ठीक है, थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन. थ्रो कीवर्ड्स क्या होता है, जनरली किसी मेथड्स वगैरह में लगाए जाते हैं. ठीक है, थ्रो कीवर्ड्स का बहुत कम ही यूज होता है, बहुत कम यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे थ्रोज यूज होता है. ठीक है, थ्रोज देखते हैं कि थ्रोज क्या है. थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एक्सेप्शंस. इट डजंट थ्रो एन एक्सेप्शन, इट स्पेसिफाइज दैट देयर मे ऑकर एन एक्सेप्शन इन द मेथड. ठीक है, इट इज ऑलवेज यूज्ड विथ मेथड सिग्नेचर. ठीक है, अगर हमने कोई भी एक मेथड बनाया है, अगर हमें लगता है कि उस मेथड में कोई एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है, हमने एक मेथड बनाया है, हमें लगता है कि उस मेथड में एक्सेप्शन आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, उस मेथड के जैसे हम लोग ने लिखा पब्लिक वॉइड कोई भी मेथड का नेम है, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद लिख देंगे थ्रोस एक्सेप्शन. ठीक है, तो अगर उस मेथड में कोई भी एक्सेप्शन आता है तो वो थ्रोस क्या करेगा, वो कैच करेगा और वहीं पे उसको हैंडल करेगा. ठीक है, तो हम लोग जो थ्रोस कीवर्ड है वो हमेशा मेथड सिग्नेचर के साथ में लगाते हैं, जब भी हम लोग कोई मेथड डिक्लेयर करेंगे उसके साथ में लगाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइव टाइप के कीवर्ड्स हम लोग देखे, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोस. ठीक है, फाइव टाइप के कीवर्ड्स जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज किए जाते हैं. कैसे हैंडल करेंगे, हमारे पास एक ब्लॉक होता है ट्राई ब्लॉक, हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को ट्राई करेंगे, क्या करेंगे, इस कोड को ट्राई करेंगे, तो ट्राई लिखेंगे और उसके बाद इस टाइप का हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और इस कोड को कहाँ डाल देंगे, इसके अंदर में डाल देंगे. कहाँ डालेंगे, इसके अंदर में डाल देंगे. ठीक है, आया समझ में.
फिर उसके बाद इस ब्लॉक को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ट्राई ब्लॉक बन गया, क्या बन गया, ट्राई ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब यहां से कोई भी एरर आएगा, अगर इस कोड में कोई भी एरर आता है रन टाइम पे, मींस कोई भी एक्सेप्शन अगर आता है, तो ट्राई ब्लॉक क्या करता है, एक्सेप्शन को थ्रो करता है, क्या करेगा, उसको थ्रो करेगा, थ्रो करना मींस फेंकेगा, ठीक है। अब यहां से अगर कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करता है तो उसको कैच करने के लिए एक कैच ब्लॉक होता है हमारे पास, CATCH, ठीक है। अब कैच ब्लॉक में अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने इंट ए लिया है और इस ए में मान के चलो मैं 50 वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बी इक्वल टू ए डिवाइड बाय जीरो में ले लिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, 100% आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 50 है, 50 को अगर जीरो से मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो एरर आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड कर देते हैं तो इन्फाइनाइट वैल्यू आती है, तो इन्फाइनाइट वैल्यू को हम लोग कंप्यूटर में तो डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, एक्सेप्शन थ्रो किया यहाँ से, ठीक है। एक्सेप्शन थ्रो करने के बाद क्या करेगा, वो कौन सा टाइप का एक्सेप्शन थ्रो करेगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो किया और वो एक्सेप्शन कैच कौन करेगा, ये कैच ब्लॉक करेगा, ठीक है। कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग यहां पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का एक क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, एक क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन का क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है, और कैच कौन करेगा, ये ई कैच करेगा, मतलब ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट उसको कैच किया, ठीक है। अब ये कैच ब्लॉक क्या करेगा, अब इस सिस्टम जनरेटेड मैसेज को तो उसने कैच कर लिया, ठीक है, सिस्टम जनरेटेड एक मैसेज प्रिंट करेगा एक्सेप्शन, उसको उसने कैच कर लिया, देन उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके हमने ने यहाँ पे उसको हैंडल किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल कोट में, नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाय जीरो, ठीक है, ये हमने उसको हैंडल कर लिया, ठीक है। यूजर जनरेटेड, सॉरी, यहाँ पे जो सिस्टम जनरेटेड मैसेज था उसको कन्वर्ट कर दिया हम लोग यूजर जनरेटेड, यूजर अंडरस्टैंडेबल मैसेज में। तो अब यूजर अगर यहाँ पे जीरो एंटर करता है, ठीक है, तो उसको मैसेज क्या मिलेगा, नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाय जीरो, ये उसको मैसेज देखने मिलेगा। तो यूजर क्या करेगा, यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर डालेगा, यहाँ पे हो सकता है वो 3 डाल दे, 5 डाल दे, कुछ दूसरा वैल्यू डालेगा जीरो को छोड़ के, ठीक है। तो उस केस पे हम लोग क्या किए, एक्सेप्शन जो आ रहा था उसको हैंडल कर, हैंडल कैसे कर लिया, हम लोग यूजर अंडरस्टैंडेबल मैसेज को प्रिंट करके हमने उसको हैंडल कर लिया, ठीक है। अब ट्राई ने एक्सेप्शन थ्रो किया, कैच ने उसको क्या किया, कैच करके यूजर अंडरस्टैंडेबल मैसेज उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में आता है फाइनली, ठीक है, फाइनली एक ऐसा ब्लॉक होता है, ठीक है, जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे भी मान के चलो हम लोग कोई भी कोड दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी इम्पोर्टेंट कोड होता है उसको हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन हैंडल्ड सक्सेसफुली, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडल्ड सक्सेसफुली लिख देता हूँ यहाँ। फिर यहाँ पे मैं कोई दूसरा कोड लिख देता हूँ, एप्लीकेशन रन, ठीक है, सक्सेसफुली ऐसा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आता है, ठीक है, तो कैच उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। अगर नहीं आता है, ठीक है,
तो भी फाइनली रन हो गई, एक्सेप्शन आए या ना आए, ये फाइनली ब्लॉक हमेशा रन होता ही होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर एक बनाते हैं, ठीक है, जिसमें जो भी कोड में हमको लग रहा है कि एरर आ सकता है तो हम लोग उसको ट्राई के अंदर लिखेंगे। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो ये ट्राई ब्लॉक उसको थ्रो करेगा, और उसको कैच ब्लॉक क्या करेगा, कैच करेगा। कैसे कैच करेगा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, जो भी एक्सेप्शन, अगर मान के चलो हमें नहीं पता कि किस टाइप का एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एक्सेप्शन का ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बहुत सारे सब क्लासेस होते हैं, कोई ना कोई इसको कैच कर लेता है और उसी से रिलेटेड वो सिस्टम जनरेटेड मैसेज को डिस्प्ले करता है और उसको कैच कर लेता है वो। ठीक है, अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट उसको कैच कर लिया, ठीक है, उसके बाद ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ब्लॉक एग्जीक्यूट क्या होगा कि हमने एक यूजर अंडरस्टैंडेबल मैसेज वहां पे दे दिया, यही मैसेज उस यूजर को दिखाई देगा, यही मैसेज यूजर को दिखाई देगा, तो वो समझ जाएगा कि हमें यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर डालना है, तभी हम लोग कोई किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फाइनली, फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, हमेशा होगा, एक्सेप्शन आए या ना आए। ठीक है, फाइनली, लेकिन फाइनली जो होता है वो ऑप्शनल होता है, हम लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनली ऑप्शनल होता है, हम लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने ट्राई लिखा है तो कैच लिखना पड़ेगा, अगर हमने कैच लिखा है तो ट्राई भी लिखना पड़ेगा, इस दोनों को हम लोग पेयर में लिखते हैं हमेशा, और ट्राई के बाद ही कैच आएगा, ऐसा नहीं कि कैच पहले हम लोग लिख दिए और ट्राई बाद में लिखे हैं, ऐसा हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को परफॉर्म करते हैं।